उत्कृष्टा यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। खबर फरीदाबाद से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री ने शहर के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाओं समय पर मुहैया कराने की बात की, और इस दौरान उन्होंने शहर में चल रहे कई निर्माण कार्यों में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए, और कहा कि रुके हुए कामों को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। देखिए, ये दिशा की नियमित बैठकें हैं जी, कुछ अंतराल के बाद लगातार ये दिशा की मीटिंगें हर जिले में होती है, जिसके चेयरमैन सांसद होते हैं और सब सदस्य MLA हमारे उसके सदस्य होते हैं जी। और इसमें जो केंद्र सरकार की स्कीमें हैं उनकी समीक्षा करते हैं, उसमें किस तरह काम चल रहा है, कहाँ उसमें कमी रहेगी, उसको जल्दी से पूरा करना है, और बाकी जो डेवलपमेंट के काम हैं उनकी क्या पोजिशन है। इन मीटिंगों में सारी स्कीमों की समीक्षा के साथ साथ किस तरह से तेज गति से उनको सारी पूरा किया जाए उस पर चर्चा हुई है। संत कबीरनगर जिले में एक के बाद एक ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की कलाई खुल रही है। हैसर विकास खंड क्षेत्र के रजनौली ग्राम पंचायत के निवासी आदित्य रानी की शिकायत पर SDM और अध्यक्ष में जांच हुई। शिकायतकर्ता का कहना है कि मनरेगा समेत विभिन्न योजनाओं में भारी धन का घोटाला किया गया है। वही ग्राम प्रधान ने सारे आरोपों को खारिज किया, और मामले में जब SDM रविन्द्र कुमार सिंह ने सवाल किया गया तो वह भागते नजर आए। उन्होंने कुछ भी कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। देखिए, मामला शुरू में मैं CDO साहब को 2021 में एफिडेविट के थ्रू दिया था शिकायत पत्र, जिन्होंने उसको जांच भी किया। जांच के बाद कोरोना आ गया, चुनाव आ गया, कार्रवाई हुई नहीं। उसके बाद मनरेगा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, मान लीजिए करोड़ों का घोटाला सामने आ रहा था। उसकी शिकायत DM साहब को की, DM साहब ने उसको नज़रअंदाज कर दिया, BDO साहब को दिया, BDO साहब से AFO साहब ने रिपोर्ट लगाया कि साल के अंत तक इसकी रिकवरी कर ली जाएगी। वहाँ से भी जांच नहीं आई, तो हम 65-70 दिन इंतजार करके फिर माननीय लोका उच्च न्यायालय इलाहाबाद गए, वहाँ से जांच SDM साहब को मिली। मैं लगातार 2500 के राजनीति में सक्रिय हूँ। हमारी पत्नी 2500 में क्षेत्र पंचायत सदस्य रही, उसके बाद वो तीन बार लगातार BDC हो गए। मैं लगातार 10-11 से लगातार 3 बार ग्राम प्रधान हूँ। शिकायतकर्ता अनावश्यक शिकायत करते रहते हैं, इनकी आदत है हमेशा जाँच के नाम पर, कभी 15 दिन पर, कभी 20 दिन पर, ये इनके जांच का पेशावर है। शाहजहांपुर में नर्सरी व कॉन्वेंट स्कूल के संचालक पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दे रहे हैं। स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपमाला रस्तोगी ने बताया कि वह एक ऐसा गार्डन तैयार करवा रही है जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगा। इसके साथ ही गार्डन में लगाए गए पेड़ों के बारे में स्कूल के बच्चे को भी जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आसपास वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे हम सब स्वस्थ रह सके। वृक्षारोपण तो सभी को करना ही चाहिए, और जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे जैसे शहरों का आधुनिकीकरण हो रहा है, नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, हाईवेज चौड़े हो रहे हैं, देखिए वो भी एक समय की आवश्यकता है, क्योंकि जब हमारे देश में वाहन की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो सड़कों का चौड़ा होना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए पेड़ भी काटे जा रहे हैं। पर हम लोगों का ये है कि एक ऐसी मुहिम चलनी चाहिए, जैसे कि अभी भाजपा ने चलाई है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, कि 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा। हम लोग के यहाँ जैसे आप देखेंगे इस समय बहुत गर्मी है, और कहीं ना कहीं ये वो मौसम है जिस टाइम पे अच्छी खासी बारिश होती थी, लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे कितना ज़्यादा गर्मी हो रखी है कि स्कूल्स बंद हैं, बच्चे बाहर नहीं जा सकते, खेलने नहीं जा सकते, तो इसके लिए हम लोगों को एक पहल करनी चाहिए। और हम अपने डोरेमोंस इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने के लिए बहुत अच्छा गार्डन बनवा रहे हैं। इसमें बच्चों को बॉटनिकल गार्डन भी रहेगा और बच्चों को प्लांट्स की वैल्यू बताई जाएगी। पर्यावरण को लेकर आजकल जो है कोरोना के टाइम से लोग ज़्यादा जागरूक हुए हैं, पहले इतना अपने यहाँ स्कोप नहीं था, अब लोगों ने कोरोना के टाइम में देख लिया कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हाईवे नए नए हाईवे बन रहे हैं, तो पेड़ पौधों का कटान हो रहा है, तो पौधे कम लग रहे हैं, ठीक है, तो लोगों ने देखा कोरोना के टाइम में पौधों की वजह से ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो सब लोगों ने क्या करा, प्लांट लगाना चालू हुए। खबर गाजियाबाद से, जहां जुमे की नमाज को लेकर गाजियाबाद प्रशासन अलर्ट पर नजर आ रही है, जिसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए अलग अलग मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई। इस दौरान पूरे क्षेत्र पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई और पूरे क्षेत्र के अंदर फ्लैग मार्च कर लोगों को शांति व्यवस्था की अपील की गई।
देखिए, पिछले कई जुम्मों पे से लेकर अभी तक पुलिस काफ़ी सतर्क है। हम लोगों ने यहाँ पे मजिस्ट्रेट के साथ ड्यूटियाँ लगाई हैं, इसके साथ ही साथ ड्रोन पे चेकिंग हो रही है, ड्रोन के साथ चेकिंग हो रही है। जितने भी मंदिर मस्जिद हैं, जितने भी खास तौर से जो इंपॉर्टेंट मदरसे वगैरह हैं, उन पे हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट दिया है, फोर्स की तैनाती करी गई है। लाइन से जो फोर्स है, QRTs बनाई गई हैं, पुलिस लाइन का डिप्लॉयमेंट है, तो एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट वहाँ पर भी दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो सोशल मीडिया सेल है हमारा, उस पर प्रॉपर तरीके से हम लोग अलर्ट हैं। कानपुर में सुन्नी उलेमा काउंसलिंग की तरफ से मस्जिदों के इमामों को एक पत्र लिखा जाएगा, जिसमें अग्निपथ योजना के लिए मुस्लिम युवाओं को जागरूक किया जाएगा और अग्निवीर बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। वहीं सुन्नी उलेमा काउंसलिंग ने योजना को देशवासियों के लिए फायदेमंद बताया और कहा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही देश में युवाओं की फौज तैयार होगी। कि आज हमने जो अग्निवीर को लेकर के एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो हमने मुस्लिम नौजवान जो बेकार और बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनसे हमने ये अपील की है कि वो जो 17 से 24 साल के नौजवान जिन्होंने हाई स्कूल इंटर कर लिया है, वो इसमें अपने को अप्लाई करके और देश के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। और ये एक अवसर उनको मिल रहा है कि अगर 4 साल में ही उनको 40 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उनका फ्यूचर जो है इससे ब्राइट हो सकता है। और हमें किसी विवाद उसमें नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि सरकार की जिस स्कीम से लाभ किस तरह से लेना चाहिए, ये अपील आइमा मसाजिद के ज़रिए हमने करवाई। कुशीनगर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां युवक ने पत्नी और 2 बच्चों पर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया और घटना में महिला की मौत हो गई, जबकि बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर बुलंदशहर के सिकंदराबाद से है, जहां युवती को जबरन अगवा करके उनके साथ अश्लीलता करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। मैं 2 जनी साजी डेयरी पे गई, वो 3 साजी डेयरी पे मैं वहाँ पे बैठी, 3-4 जने आए थे, 2 जने मुझे उठा के ले गए बाइक पे, बीच में बिठा के उसने मुझे बुरी तरीके से मारा था। क्योंकि मैं मोटा वाला डंडा लाया था, वहाँ पे मुझे बचाया है। क्योंकि मैं फ्राइवर के पास, इसने दोबारा गाड़ी मोड़ ली थी, उसके नीचे से फिर निकाली, फिर अंकल एक पुलिस वाला आया, उनने बचाया था मुझे। फिर कह रहा है करके हमारा मामला है, हमें छोड़ दो यहाँ से, हम जा रहे हैं आपसे ही है। और क्या कह, मैं इसके घर पर जाके मैं इसकी अम्मी को फ़ोन कर रहा हूँ, उसका मेरा फ़ोन उसके पास था जब पुलिस वालों ने दिलवाया था। कोतवाली सिकंदराबाद में वादिया सायरा पत्नी सलाउद्दीन निवासी सिकंदराबाद की लिखित तहरीर, जिसमें कल दिनांक 23/6/2022 को समय लगभग 3 बजे 2 अभियुक्त सुहेल और अनस, जो कि ऊपरकोट के रहने वाले हैं, इनके द्वारा वादिया की पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करना, गलत हरकत करने का प्रयास करना, जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर उठाकर ले जाना के संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गोरखनाथ मंदिर और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 4 फरवरी 2022 को एक लेडी डॉन नाम के ट्विटर अकाउंट को से ट्वीट किया था, जिसमें गोरखनाथ मंदिर और सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। हालांकि अब धमकी देने वाला सोनू कैंट पुलिस की हिरासत में आ गया है। वही सोनू किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। उसने लेडी डॉन नाम से ट्विटर प्रोफाइल बनाकर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए थे, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई थी और कई जगहों पर अभियान भी चलाया गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अभियुक्त जिसको आगरा जेल में जो निरुद्ध थे, उनको आज गोरखपुर पुलिस द्वारा रिमांड पर यहाँ बुलाया गया है एवं न्यायालय में प्रेषित किया जाए। इन्होंने पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को उड़ाने की धमकी दी थी और इसी संदर्भ में गोरखपुर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई है। खबर अयोध्या से, जहां सरस्वती ज्ञान मंदिर के पीछे गड्ढे में 2 युवकों का शव बरामद हुआ। दोनों युवकों की पहचान करने के बाद पता चला कि युवक प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस की सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस न्यायालय अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गई। के पास सरस्वती विद्या मंदिर के बगल में 2 अज्ञात शव प्राप्त मिले हैं, जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पंचायतनामा अन्य आवश्यक कार्रवाई करके दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और 2 अज्ञात शवों की जानकारी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
देश में चल रहे अग्निपथ योजना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से संबोधित ज्ञापन भेजा। वहीं इस दौरान किसान नेता ने कहा कि अग्निपथ योजना देश के जवानों और किसानों के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना है। किसान मोर्चे की तरफ से इसमें कई घटक हैं और आज पूरे देश के पैमाने पर अग्निपथ और अग्निवीर योजना के नाम पे तो देश के युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है और हमारे देश की सीमाओं के साथ समझौता किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्या मांग है पत्र? हमारी मांग है कि इस योजना को समाप्त किया जाए और पहले जैसे अस्थायी रूप से सैनिकों की भर्ती होती थी उसको पुनः चालू किया जाए। अलीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने अग्निपथ योजना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना का विरोध जताते हुए इस योजना को वापस लिए जाने की मांग की है। वहीं किसानों द्वारा प्रदर्शन की सूचना पर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल और PSC के साथ आलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हमारे भारत के युवा जो देश की सेना में भर्ती के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे, जो कोचिंग कर रहे थे, जो दौड़ भाग कर रहे थे, उनको ये जब अग्निपथ योजना का भर्ती का संविदा की भर्ती वो भी 4 साल के लिए उन्होंने सुना तो वो सदमे में आ गए और उन्होंने उत्पात शुरू कर दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि वो सदमे में थे उनको जेल से छोड़ा जाए, उनको नौकरी दी जाए और अग्निपथ का जो कानून बनाया उसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाए। मैं कलेक्ट्रेट के सामने संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया गया है। जैसे भारत सरकार द्वारा जो योजना लागू की गई है अग्निपथ उसके संबंध में ज्ञापन है, उस ज्ञापन को हम शीघ्र ही माननीय राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाएंगे और उनका किसानों की बात जो है वहाँ तक पहुँच सके और उसको उचित कार्रवाई कर सके। और यह में एक चोरी की घटना सामने आई है जहां चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक बाहर नौकरी करता है जबकि पत्नी अपने पिता को देखने प्रयागराज गई हुई थी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे यहाँ चोरी हो गई है सर, मैं अभी परसों यहाँ से गई थी अपने ससुर जी को देखने, वो आईसीयू में भर्ते हुए हैं और उनको मैं देखने के लिए अभी परसों यहाँ से गई हूँ और आज ही सुबह मुझे सूचना मिली है कि मेरे घर चोरी हो गई है। मेरा एक बैग था जो ट्रॉली बैग है वो हमारे प्लाट के जस्ट बगल वाले प्लाट में फेंका हुआ था, सामान सारा बिखरा हुआ था, इसलिए बगल वालों को सूचना मिली कि यहाँ सामान बिखरा हुआ। वो लोग हमें फ़ोन किए, वीडियो बजा के भेजे कि आपका सामान सारा बिखरा हुआ है और आप आ जाइए। मैं वहाँ से भागी हूँ, यहाँ आई हूँ, आने के बाद मैंने देखा मेरे मेन गेट जो उसका ताला टूटा हुआ था। और लगभग कितने का नुकसान हुआ है आपको? 5-6 लाख का तो थाना फफूंद क्षेत्र के अंदर ग्राम दयाल नगर पड़ता जो है वहाँ पर बता रहे हैं कि एक सूने घर में जो है 3-4 दिन पहले, क्योंकि घर में कोई था नहीं, इसमें चोरी हुई है जिसकी सूचना मकान मालिक को मिली तो उसके द्वारा पुलिस को जानकारी तत्काल हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे और पता गया कि घर में चोरी हुई है। इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अज्ञात चोरों को हम लोग गिरफ्तारी के लिए टीम बनाए हैं। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।